सो दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग। मौसम बहुत अच्छा है सो हमने सोचा थोड़ा बाहर निकलते हैं। आई एम गोइंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स गुरप्रीत। नेहरू प्लेस जा रहे हैं, उसका फ़ोन ठीक करा रहे हैं। कुछ टाइम पहले उसने अपने कुछ पर्सनल मैटर्स की वजह से अपना फ़ोन दीवार में देखे मारा, तोड़ दिया। तो जा रहे हैं नेहरू प्लेस, फ़ोन ठीक कराते हैं, थोड़ा मौसम आपको दिखाते हैं। तो हम गए थे नेहरू प्लेस, वहाँ पे स्क्रीन नहीं मिली फ़ोन की, तो हमने डिसाइड किया कि हम करोल बाग जाएंगे। यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड की शॉप है, उससे बात हो गई है, तो करोल बाग आ गए हैं। बट यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतने लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगा मार्केट के अंदर, मैं कार के अंदर ही रहूँगा। तो गुरप्रीत गया है फ़ोन लेके, लेट्स सी कितना टाइम लगता है उसको। आई एम जस्ट वेटिंग। सो मैंने अभी गुरप्रीत को फोन किया था पूछने के लिए कि कितना टाइम लगेगा। उसने बोला अभी टाइम लग सकता है अराउंड 25 से 30 मिनट। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस अभी तक जो मैं करना चाह रहा हूं, और मैंने क्यों ये चैनल स्टार्ट किया और ब्लॉगिंग के लिए डिसीजन लिया। सो बेसिकली जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, हर कोई सफ़र कर रहा है किसी ना किसी तरह के मेंटल प्रेशर से, एंग्जाइटी से लॉकडाउन में, क्योंकि पता नहीं है वैक्सीन कब रेडी होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया एक एक्सपीरियंस किया जाए, और मैंने सोचा कि मैं अभी तक जो नहीं करता था वो मैं करने की कोशिश करूंगा थ्रू दिस ब्लॉग। कुछ रीजंस हैं, वो मैं आगे आपको बताता रहूंगा ब्लॉग्स में, जब आगे जब भी मैं बनाऊंगा, जब भी मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा फिर से स्क्रीन पर आने की। बहुत कोशिश करी मैं पिछले 1.5 साल से, प्लान कर रहा था ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, बट ड्यू टू वर्क और काम रहता है कुछ ना कुछ, ऑफिस घर ऑफिस का चक्कर बना रहता है, उस चक्कर में कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट अभी जैसे लॉकडाउन था रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को कहीं ना कहीं किसी फन वे में यूटिलाइज किया जाए। सो मैंने स्टार्ट करने का डिसीजन लिया कि अब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ट्राई तो करता हूँ। और मुझे कैमरे के आगे आने का काफ़ी एक बोल सकते हैं फियर रहता है, थोड़ा डर रहता है कैमरे के सामने आने का। वो भी मैं शायद अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकूँ उस चीज़ में, और एक इम्प्रूवमेंट ला सकूँ अपने अंदर। Thank you.